वेलकम टू पीहू एकेडमी। आज की वीडियो यूके डीएलएड की वीडियो है, जिसमें हम एंट्रेंस का 2016 का पेपर सॉल्व कर गए थे। इसमें हमने तीन वीडियोस बना ली हैं, जिसमें जीके, रीजनिंग और मैथ की वीडियोस हमने बनाई हैं और उसमें उसका पेपर सॉल्व किया है। आज की इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने वो तीन वीडियोज़ नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल पर अभी क्लासेस भी चल रही हैं, पेड क्लासेस, तो इसमें आप इंडिविजुअल कोर्स या फिर फुल कोर्स भी खरीद सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो भी डिटेल्स चाहिए वो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएंगे, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो लिंक उसका जो व्हाट्सएप का नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको डीएलएड के फुल इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, अगर कक्षा में एक छात्र लगातार अपनी आँखें गड़ता है और शाम पट पे दिए हुए कागज पर ध्यान नहीं देता है तो वह है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दृश्य समस्या। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक होने पर मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा या करूंगी जो, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कक्षा में क्रियाशील हो। नेक्स्ट देखिए, निम्न विधियों के में शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें कि हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है। नेक्स्ट देखिए, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित ना हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कारणों को जानने तथा उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों का सर्वोत्तम मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है, राइट आंसर ऑप्शन सी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, मान ली कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है तो इसके लिए वह अध्यापक के पास जाता है, तो अध्यापक को, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उसे युक्तिसंगत सहायता दे और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करे। नेक्स्ट देखिए, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हों तो एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी, राइट आंसर ऑप्शन डी, उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना। नेक्स्ट देखिए कार्यशालाएं किसके लिए आयोजित की जाती हैं, राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रशिक्षण या अनुभव प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं तो इसके लिए हो सकता है कि छात्र, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, प्रतिभाशाली हैं। नेक्स्ट देखिए, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है विषय का गुण क्या, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बहुत अनौपचारिक तथा निकट। नेक्स्ट देखिए, छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपने बच्चों के कार्य के निरीक्षण के लिए। नेक्स्ट देखिए, एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि छात्रों को कुछ समस्याएं हल करके दें। नेक्स्ट देखिए, प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, छात्रों में से वह अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो, ऑप्शन बी करेक्ट है, उनकी समस्याओं को के समाधान में सहायक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक प्रभावी कक्षा कक्ष में वातावरण का मूल तत्व है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया। नेक्स्ट देखिए, यदि कक्षा के प्रेरित दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहें तो अध्यापक को चाहिए कि वह, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संक्षेप में अपने बारे में बताएं। नेक्स्ट देखिए, बच्चों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक, राइट आंसर ऑप्शन बी, स्वयं उन पर आचरण करें। नेक्स्ट, यदि छात्रों के एक समूह में कुछ मंदबुद्धि और कुछ प्रभावशाली छात्र हैं तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा, राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा सही होगा। तीसरा कथन है, शिक्षक को मध्यम स्तर पर रखना ताकि प्रभावशाली छात्रों को अधिक निरस ना लगे। एंड फोर्थ, मंदबुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना।
नेक्स्ट देखिए, औपचारिक शिक्षण की पहचान है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, निश्चित समय सारणी। नेक्स्ट देखिए, पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा, राइट आंसर है ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यावहारिक होता है अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। नेक्स्ट देखिए, पाठ्य योजना से तात्पर्य, राइट आंसर इसका बी होगा, उन सभी बातों के विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूर्ण करने की इच्छा रखता है। नेक्स्ट देखिए, समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चिंतन स्तर से। नेक्स्ट, एक अच्छे अध्यापक को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ पुस्तक भी पढ़नी चाहिए क्योंकि इससे ज्ञान की वृद्धि होती है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा गुण आप छात्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए, स्वतंत्र रूप से विचार करना। नेक्स्ट देखिए, विद्यालय में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन बी, विद्यालय का वातावरण बच्चों के अनुकूल होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों को किस प्रकार से गृह कार्य की संतुष्टि करेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, मनोरंजनात्मक, राइट आंसर ऑप्शन सी, मनोरंजनात्मक, सघन एवं उपयोगी। नेक्स्ट देखिए, शिक्षक को शिक्षण से पूर्व अपने शिक्षार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए, पूर्णतया। नेक्स्ट है, बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए आवश्यक है, तो इसमें देखिए उपयुक्त सभी आवश्यक है, बच्चों के सामने छोटी छोटी समस्याएं रखी जाएं, बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके बच्चों को संभावित समाधानों हेतु प्रेरित करके। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण का आधार होना चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट है, बालक। नेक्स्ट देखिए, दिव्यांग बच्चों के साथ शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रेम और स्नेहपूर्ण। नेक्स्ट, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, त्रुटियों से रहित। नेक्स्ट, जो छात्र पढ़ने में कुछ कमजोर हैं तो उनके प्रति आपका दृष्टिकोण होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सहानुभूति व सहायता का। नेक्स्ट देखिए, कोई विद्यार्थी भावी अध्ययन हेतु अपने विषयों का चयन करने में आपसे मदद चाहता है, तो आप राइट आंसर ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के लक्ष्य को चिन्हांकित करने का प्रयत्न करें तथा उसे कुछ विकल्पों से परिचित कराएंगे। नेक्स्ट देखिए, एक कुशांग विद्यार्थी यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप राइट आंसर ऑप्शन ए, उसकी समस्या को समझना चाहेंगे, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह कार्य को प्रतिदिन जांचना आवश्यक है क्योंकि इससे छात्रों में तात्कालिक अशुद्धियों और त्रुटियों को दूर करने का गुण विकसित होता है। नेक्स्ट देखिए, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली यह है कि जिसमें अध्यापक व छात्र दोनों प्रश्न पूछें। नेक्स्ट देखिए, सामूहिक खेलकूद से बच्चों को निम्नलिखित लाभ मिलता है, राइट आंसर ऑप्शन बी, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करना सीख लेते हैं। नेक्स्ट है, अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए क्योंकि इससे शिक्षण को आगे अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कक्षा में छात्रों का ध्यान किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे। नेक्स्ट है, सीखने की सर्वोत्तम विधि क्या है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, करके सीखने की विधि। नेक्स्ट देखिए, यदि छात्र शिक्षण में रुचि ना ले रहे हों तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसे अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने हो तो उत्तम उपाय है नवाचारों का प्रयोग, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, यदि छात्र एक विषय में कमजोर है तो आप उसे व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त समय देकर पढ़ाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE का संबंध निम्न में से किससे है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रारंभिक शिक्षा। नेक्स्ट है, नेत्रहीन छात्रों के लिए प्रयुक्त की जाने वाली लिपि है, तो उनके लिए जो लिपि प्रयुक्त की जाती है वो होती है बेल लिपि, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अधिकांश विद्यार्थी उस शिक्षण की कक्षा में खुश होते हैं जो उनकी समस्याओं को हल करता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट है, एक नए अध्यापक के लिए आवश्यक है कि कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करें, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपकी वीडियो कंप्लीट होती है, तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने टिप्स मांगी थी, तो हम आपके लिए टिप्स की वीडियो भी लेके आएंगे जिसमें हम आपको रीजनिंग, GK, टीचिंग एप्टीट्यूड और
मैथ्स के लिए अलग अलग टिप्स देंगे, ठीक है, और मैम के द्वारा ही टिप्स दी जाएंगी। तो जिस सब्जेक्ट को जो भी मैम पढ़ाती हैं वही आपको उसके ऊपर टिप्स देंगी और ये बताएंगी कि आप किस तरह से अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं और उसके लिए किस तरह से अच्छे से उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपने अब भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते हैं और हमारे परिवार के सदस्य बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।